नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं अश्विन, आप क्या सहायता कर सकती हूँ? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर केयर के पास कॉल लग चुका है। मैं आप यहाँ पर आपको मैं बात करके दिखाता हूँ। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो माय डियर टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एयरटेल कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो कैसे आप बात करेंगे, क्या नंबर होगा, क्या क्या डायल करना पड़ेगा, आपको सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों बीच में आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी कैसे आप बात कर सकते हैं। चलिए मैं अपने इस मोबाइल से एयरटेल कस्टमर केयर के पास मैं कॉल लगाता हूँ। और 198 पर ही दोस्तों आपको कॉल लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 198 डायल कर देता हूँ और आपको ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चालू हो चुका है। प्रीपेड संबंधित जानकारी ये आपको ध्यान से सुनना होगा। क्या दबाना है, कहां पर, मैं आपको बताऊंगा। दो दबाएं। पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं। एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। तो यहां पर आपको 1 दबाना होगा। 4 जब बोलेगा दबाने के लिए तो आपको 1 दबा देना होगा। मैं 1 दबा देता हूँ। बारह मई आपका यहाँ पर वैलिडिटी कितना है और आपका डाटा कितना यूज हुआ है, कितना बचा है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको बताएगा। ये भी आपको ध्यान से सुन लेना होगा। 3.0 GB आपके मोबाइल का डेटा कोटा है, जिसमें से 3.0 GB डेटा बचा है। अधिक जानकारी पाने के लिए मोबाइल पर आए हुए SMS में आए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप में मोबाइल में SMS आता है तो उसे छेड़छाड़ नहीं करना होगा। 0 रुपए यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना होगा। बीच में ये साइलेंट भी होता है। कॉल करने या यहाँ पर आप देख सकते हैं SMS ना भेज पाने से संबंधित समस्या की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं। अकाउंट से संबंधित जानकारी जैसे डेटा बैलेंस, टॉक टाइम बैलेंस और वैधता, बेस्ट ऑफर्स, रीसेंट रिचार्ज, 5G पर अधिक जानकारी, थैंक्स रिवॉर्ड्स और कूपन के लिए 2 दबाएं। सिम खोने की रिपोर्ट, सिम बदलने की स्थिति, ई सिम अपग्रेड, हेलो ट्यून, DND और अपना मोबाइल नंबर या PUK जानने के लिए 3 दबाएं। कुछ भी आपको दबाना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कहां पर क्या दबाना होगा। IVR भाषा बदलने के लिए या रिक्वेस्ट रेज करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। तो यहां पर आपको फिर से 1 दबाना होगा। जब बोलेगा 8 दबाने के लिए तो आपको फिर से 1 दबाना होगा। मैं 1 दबा देता हूँ। यदि आप डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त आपको करने कुछ भी दबाना नहीं होगा तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या 3 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो आपको यहाँ पर 9 दबा देना होगा। कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए आपको 9 दबाना होगा। मैं 9 दबा देता हूँ। 9 दबाने के बाद ये घंटी जाएगा वहाँ पर कस्टमर केयर पर। बने रहे, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है। मैं अश्विन, आप क्या सहायता कर सकती हूँ? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर केयर के पास कॉल लग चुका है। मैं आप यहाँ पर आपको मैं बात करके दिखाता हूँ। सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सर मैं यहाँ पर मेरे पास जो इंटरनेट का नेटवर्क है यहाँ पर बहुत स्लो चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर केयर के पास मैं बात किया हूँ और आप भी आसानी से अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।